ना डरे ना जिम करे, मयंक यादव वो बेटा आरसीबी का पूरा बैटिंग लाइनअप खा जाओ जब मन करे। यार ये आरसीबी की कल की परफॉर्मेंस देख के दिल से एक ही चीज निकल रही है, ये साला कब रहने दे। जितना गंदा ये खेल रहे हैं ना, मुझे तो लगता है इस बार किसी का दिल भी नहीं जीत पाएंगे। मीट मयंक यादव, एक कल के आए पेसर ने आईपीएल के बेस्ट बैटिंग लाइनअप के धागे खोल दिए। इस मैच में मयंक से ज्यादा फास्ट तो आरसीबी बैट्समैन की डगआउट लौटने की स्पीड थी। एक और सुनो, इतनी तेजी से तो मयंक ने बॉल नहीं डाली जितनी तेजी से आरसीबी ने आरसीबी फैन की फिर से उम्मीद तोड़ दी है। इस बार तो पॉइंट्स टेबल में हालत देख के लग रहा है अभी से कैलकुलेटर की जरूरत है। सो जा, कैसा हालत हो गया है साला, भिखारियों के साथ सोना पड़। वैसे इसी दुख में आरसीबी फैंस के लिए एक रील डाल दी थी इंस्टाग्राम पे, जाके देख लेना और फॉलो भी मार देना। भाई कौन थे वो लोग जो सीजन शुरू होने से पहले ये मानते थे कि आरसीबी की ऐसी बैटिंग लाइनअप तो 300 का टारगेट भी चेज कर देगी। कैसे भाई, जिस तरह केएल भाई T20s में पहला ओवर खा जाते हैं उसी तरह मयंक ने भी आरसीबी की आज पूरी बैटिंग लाइनअप खा ली थी। लास्ट मैच में 155.8 की स्पीड, तो इस मैच में भाई ने एक नॉच बढ़ा दी 156.7। भाई आरसीबी को तो तोड़ा ही तोड़ा, बट ये आईपीएल के भी सारे रिकॉर्ड तोड़ के रहेगा। अरे इस बंदे की पेस और लाइन लेंथ के सामने तो ऑस्ट्रेलियंस नहीं टिक पा रहे, इंग्लैंड वाले नहीं टिक पा रहे जो पेस खेलने के लिए जाने जाते हैं। दो मैच हुए नहीं कि मयंक ने ऑलरेडी हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। मयंक टेट भाई आईपीएल के पहले ऐसे प्लेयर बन चुके हैं जिसने अपना पहला और दूसरा मैच दोनों में प्लेयर ऑफ द मैच जीत लिया है। और माना यार, मैंने इसकी पिछली परफॉर्मेंस के बाद बोला था कि भाई अभी रुक जाओ, इसको ग्रूम होने दो, बट अब तो मेरा भी मन ललचा रहा है कि T20 वर्ल्ड कप के लिए सोच सकते हैं, क्योंकि अच्छी बॉलिंग कर रहा है जेन्युइनली। इसको लग नहीं रहा भाई इसको ग्रूमिंग की जरूरत है, ये जिसकी विकेट निकाल रहा है इस आईपीएल में, इसको सीधा तुम बारबाडोस में उतारो। मैं तो कहता हूं मोटा भाई, वर्ल्ड कप में चाहे प्लेइंग स्क्वाड में ना रखो, मानते हैं थोड़ा अनरियल हो जाएगा एकदम से, बट एटलीस्ट नेट बॉलर की तरह ले जाओ भाई, अपने बैट्समैन को सही प्रैक्टिस करवा देगा ये। दो मैच हुए नहीं कि पर्पल कैप की रेस में आ गया, और मैं भाई सारी विकेट्स एक तरफ, बट ये जो कैमरन ग्रीन को इसने बोल्ड किया ना इस मैच में, ले चलो भाई इसको। अगर तुमने मिस कर दिया तो भाई टेलीग्राम पे वीडियो डली हुई है, जाके ज्वाइन करके देख सकते हो। खैर अपनी आरसीबी की किस्मत तो ऐसी हो चुकी है कि ना अपने घर पे टारगेट डिफेंड कर पा रहे हैं और ना ही चेज कर पा रहे हैं। ये अगले मैचों में झक मारेंगे, ये क्या करेंगे, इनको डूब मरना चाहिए, मैं यही बोलूंगा इनको डूब मरना। अब तो विराट भाई के लिए भी बुरा लगने लग गया है कि कहां फंस गया है यार ये बंदा, कैसे जीतेंगे ऐसे ट्रॉफी। अकेले विराट ने अभी तक टीम के लिए 200 प्लस रन स्कोर करे हैं, और सेकंड नंबर पे डीके है, थर्ड नंबर पे अनुज रावत है जो ट्रिपल फिगर्स में भी नहीं पहुंचे हैं। मुश्किल से दो ओवर तो खेल पाते हैं दोनों, उसके बाद भी आरसीबी के टॉप स्कोरर्स में से है। और इसका रीजन ये नहीं है कि ये बहुत अच्छा खेल रहे हैं, इसका रीजन ये है कि इनका बाकी का टॉप ऑर्डर फेल हो रहा है। विराट भाई फिर वही बात, क्या जरूरत है आपको ऐसे नए यंगस्टर्स को अपनी विकेट्स गिफ्ट करने की, नहीं नया यंग स्पिरिट देखा नहीं कि चल दिए उसका करियर बनाने। मान गए भाई आप यंगस्टर्स की केयर करते हो, बट ऐसी सिचुएशन में हर बार आगे आने की जरूरत नहीं है। मैं तो कहता हूँ KGF भी वो रॉकी भाई वाला ही सही था, आरसीबी का तो पूरा ही फेल हो चुका है। इस मैच में विराट भाई तो चल नहीं पाए, तो फैफ और मैक्सवेल से तो पूछो ही मत, इनकी सारी फॉरेन बैटिंग कोलैप्स कर रही है इस सीजन। अरे इस मैच में तो तुम देखो कि आरसीबी के बाकी बैट्समैनों से अच्छा तो सिराज खेल के गया है, क्यों नहीं हो पा रही बैटिंग। और एक तो ये रजत पाटीदार ने जो फैंस को उम्मीदें दी थी ना भाई, पाप चढ़ेगा पाप, बंदा फिर से फेल हो गया। भाई तुम ये देख लो कि हार्दिक पांड्या टू MI वाले ट्रेड से उतना दर्द मुंबई फैंस को नहीं हुआ होगा जितना आरसीबी के फैंस को इस समय हो रहा है। कैमरन ग्रीन नाम का चूना जो लगा दिया है, फास्ट बोलिंग ऑल राउंडर के नाम पे क्या पकड़ा दिया है, 13 की इकोनॉमी से बोलिंग करता है और 10 के एवरेज से बैटिंग। मैं तो कहता हूं आरसीबी रिलीज कर दो, फिर देखो कैसे सक्सेस मारेगा दूसरे फ्रेंचाइजेस के लिए। एंड वेलकम बैक अनुज भाई, बहुत टाइम हो गया था यार, कोई मिल ही नहीं रहा था ट्रोल करने के लिए, सब इतना अच्छा खेल रहे इस सीजन, बट फिर अनुज भाई ने मेरे दिल की तमन्ना सुन ली। मैं तो कहूंगा टेस्ट में भी इससे तेज इनिंग्स खेलते हैं प्लेयर्स, ये क्या, ये तो टट्टी है। यहाँ सारे प्लेयर्स लगे हुए हैं T20 वर्ल्ड कप का ऑडिशन देने के लिए, लेकिन भाई सीधा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेलने के सपने देख रहे हैं। सिर्फ एक महिपाल लोमरोरी था भाई जिसने कुछ कर दिया, नाम में माही था तभी थोड़े रन मार गया, बाकी सब तो भाई बस गार्डन में घूमने आए थे। अकेले इसने चेज में थोड़े से रन मार के उम्मीद जगा दी थी फैंस को कि भाई कुछ हो सकता है शायद, बट भूल गए थे ना कि आरसीबी में जो सी आता है ये वही बनाते हैं अपने फैंस को हर मैच में। बेचारे आरसीबी फैंस सपोर्ट भी उसको करते हैं जो खुशी भी देती है, बट उसको टिकने भी नहीं देती। एक बात बता, ये सब करके तुझे क्या मिल जाता है? अभी देखो आरसीबी की बॉलिंग लाइनअप कितनी स्ट्रॉन्ग है, इसका अंदाजा तुम्हें इस बात से हो जाएगा कि इनका हाईएस्ट विकेट टेकर
ग्लेन मैक्सवेल है। इनकी सिचुएशन इस मैच में ऐसी थी कि सिराज ने सबसे खराब बॉलिंग करी और मैक्सवेल ने सबसे अच्छी बॉलिंग, लेकिन फिर मैक्सवेल ने सबसे खराब बैटिंग करी और सिराज ने बढ़िया बैटिंग। सिराज मियां फॉर्म में लौट आओ, मजाक नहीं रहा अभी ये, T20 वर्ल्ड कप करीब आ रहा है अपने। बेचारों की बॉलिंग की किस्मत भी इतनी खराब है कि एक अल्जारी जोसफ गया तो दूसरा आ गया। बट यार ये तो डिजर्व करते हैं मैच जीतना, इतनी घटिया डिसीजंस लिए स्क्वाड सिलेक्शन में। भाई इसी होम ग्राउंड पे इनके लास्ट मैच का बेस्ट बॉलर विजय कुमार विशक पॉइंट ये है कि इसको खिलाया ही नहीं इस मैच में। कैसे, क्या थॉट प्रोसेस था भाई कि तुम्हारे लास्ट मैच का बेस्ट बॉलर इस बार बेंच पे बैठा हुआ है? ऊपर से भाई अगर अल्जारी को बिठा रहे हो तो तुम्हारी फर्स्ट चॉइस तो लोकी फर्गसन होना चाहिए ना। भाई कमेंटेटर्स भी शॉक हो गए थे कि ये बॉलिंग फर्स्ट में चार बॉलर्स के साथ जा रहे थे सिर्फ। अच्छा खासा अगर विजय को टीम में रखते तो भाई थोड़ा सा 20 रन कम बन जाते, पर नहीं, इनको तो 1000 IQ लगा के दिखाना है कि हम कितने स्मार्ट डिसीजन लेते हैं। तो भाई बस एक ही ऑप्शन रह गया है, एलिस पेरी के चरणों में जाके गिर जाओ, उसको बुलाओ और बोलो किसी तरह जय शाह को कि इंपैक्ट प्लेयर बना के खिला दे, तो शायद सीजन बच जाएगा, वरना इनसे ना हो पाएगा। लखनऊ की बात करें तो भाई क्या बढ़िया खेल रहे हैं। पहले डीकॉक ने धड़ाधड़ रन मारे और पूरन ने फिनिशिंग भी अच्छी कर दी, बट बेचारा देवदत्त पटिकल दूसरा रजत पाटीदार बन के रह गया है। रियान को ट्रोल करने की इतनी बुरी आदत लग गई थी कि भूल ही गया था वो तो ऑरेंज कैप होल्डर है। बट डीडीपी भाई मुझे ये बताओ कि एक्स आरसीबी हो के भी आप आरसीबी के अगेंस्ट कैसे नहीं परफॉर्म कर पा रहे? बट ऑब्वियसली आरसीबी तो आरसीबी हो गए है, किस्मत फूटी है, बैट से डीडीपी कुछ नहीं कर पाया तो फील्डिंग से ही इनको खत्म कर दिया। जो आरसीबी ने इसको रिटेन नहीं किया ना उसका सारा बदला निकाला इसने इस मैच में। कैच ली, रन आउट करा, फिर कैच ली, जहां शॉट मार रहे थे वहां डीडीपी बैठा था। ऑब्वियसली भाई गुस्सा तो वो भी होगा क्योंकि जब से वहां से निकला है फॉर्म ही नहीं वापस आ। वैसे एक और एक्स आरसीबी था जो यहाँ पे खेलने के लिए तो बहुत एक्साइटेड था। क्या राहुल भाई ऐसी परफॉर्मेंसेस के दम पे जाओगे क्या T20 वर्ल्ड कप? भैया डीके को ना ले जाना पड़ जाए इसलिए मैं बता रहा हूँ, खेल लो अच्छे से। बट पिछले एक दो मैच से राहुल भाई ने नॉस्टैल्जिया तो दे दिया है हमें, वही पुराने राहुल का। मुझे ये समझ नहीं आता मैंने ऐसे क्या पाप करे। प्रेडिक्शन वाली वीडियो में बोला था कि इस बार मुझे लग रहा है ऑरेंज कैप या तो फैफ डी प्लेसी या जयसवाल या केएल राहुल जीतेंगे। तीनों की परफॉर्मेंस तो तुम्हें पता ही है भाई। लखनऊ को यहाँ पे अप्रिशिएट करना पड़ेगा भाई, गौती भाई भी जा चुके लेकिन फिर भी उनका प्लेइंग स्टाइल बिल्कुल नहीं बदला है, अभी भी अनएक्सपीरियंस बॉलर्स के साथ बैटिंग लाइनअप तोड़ रहे हैं यार। वैसे अच्छा लग रहा है रोहित और विराट को एक साथ पॉइंट्स टेबल पे चिल करते हुए देख के, भाई चारों ऑन टॉप है यार। एंड ऑन अ सीरियस नोट भाई, अगर अब आरसीबी को यहाँ से जीतना है कुछ करना है तो टीम में बहुत हार्श चेंजेस करने पड़ेंगे। इनफैक्ट मुझे तो लग रहा है फैफ ड्यू प्लेसी भी कब तक ऐसे खेलेंगे कैप्टन बनके। विल जैक्स बाहर बैठा हुआ है, लोकी फर्गसन बाहर बैठा हुआ है, कब से बोल रहा हूँ इंक्लूड कर लो। देखो अब आज का मैच है डीसी वर्सेस केकेआर और पंत भाई ने तो अनथिंकेबल पहले से ही करके रख दिया है, गौती भाई को हंसा दिया यार ऋषभ पंत ने। ऐसा क्या बोला होगा, कहीं ये तो नहीं बोल दिया कि आपके लिए ही सीएसके को हरा के आया हूँ। खैर देखो मेरी प्रेडिक्शन है केकेआर ये मैच जीत सकती है और फैंटेसी टीम ये होने वाली है। कैप्टनसी मैंने दी है श्रेयस अय्यर को इस बार और वाइस कैप्टन में वार्नर को डाल रहा हूँ। निकोलस पुरान को कल वाइस कैप्टन बनाया था, देख लो कैसे रन मार के आया है। बाकी देखो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम पे आके मुझसे जुड़ सकते हो, फॉलो कर लेना, 50 के कंप्लीट हो जाएंगे आज ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय। बात अंडे वाला बर्गर, मुझे अंडे वाला बर्गर। यार क्या चिचोर बने, तमीज नहीं है आपको? तमीज तो पहनी हुई है, बस यही कमीज है तुम्हारा।